वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टेस्ट टीम में सरफराज खान को शामिल नहीं किया गया है, जिसने बवाल मचा दिया है। सुनील गावस्कर से लेकर पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने भी इस फैसले को गलत बताया है। बीसीसीआई सोर्स की ओर से आई खबर के अनुसार सरफराज की फिटनेस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है और साथ ही मैदान के अंदर और बाहर उनका आचरण शीर्ष स्तर का नहीं है। उसकी कुछ बातें और कुछ भाव भंगिमा अनुशासन की दृष्टिकोण से अच्छी नहीं रही है, जिसके कारण उनका चयन टीम इंडिया में नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरफराज के करीबी सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया है कि सरफराज ने कभी भी किसी के साथ खराब आचरण नहीं किया है। सरफराज के करीबी ने इस बारे में पीटीआई को बताया और कहा कि सरफराज ने रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान शतक लगाने पर जो सेलिब्रेशन मनाया था वह कोच के लिए नहीं था। उन्होंने अपने टीम के साथी खिलाड़ियों और कोच अमोल मजूमदार के लिए मनाया था। उस समय कोच मजूमदार ने भी अपनी टोपी उतारकर अभिवादन स्वीकार किया था। यही नहीं, उस मैच के दौरान स्टेडियम में चेतन शर्मा नहीं बल्कि सलिल अंकोला मौजूद थे। सरफराज ने शतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को मुसीबत से बाहर निकाला था। सरफराज के करीबी ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि शतक लगाने के बाद क्या जश्न मनाया गलत है, खासकर जब आप ड्रेसिंग रूम की ओर देखकर इसका जश्न मना रहे हो। बता दें कि मीडिया के आई रिपोर्ट के अनुसार सरफराज का फिटनेस एक बड़ा कारण है, जिसके कारण उन्हें टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहे हैं। सरफराज के करीबी का मानना है कि वर्तमान भारतीय टीम का फिटनेस मानदंड 16.5 है और सरफराज ने इसे पास कर लिया है। और जहां तक क्रिकेट फिटनेस की बात है, उन्होंने कई बार 2 दिन बल्लेबाजी की है और 2 दिन फील्डिंग भी की है। इसके बाद भी उनके फिटनेस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, जो यकीनन अर्थहीन बात है। वहीं एक बात और सामने आई थी कि एमपी के कोच चंद्रकांत पंडित उनके रवैये से खुश नहीं थे। इस मसले पर सूत्र ने कहा कि चंदू सर उसे बेटे की तरह मानते हैं, उनके पास हमेशा उसके बारे में कहने के लिए अच्छी बातें होती हैं और वह उसे तब से जानते हैं जब वह 14 साल का था। वह सरफराज पर वो कभी भी गुस्सा नहीं हो सकते हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।